डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर निशा पार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, हर्ष विद्या मंदिर, पीजी कॉलेज, रांची, हरिद्वार। आज हम एम ए फोर सेमेस्टर के रॉबर्ट के मर्टन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इट्स अ सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, तो हम लाइक दो या तीन मिनट में एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, राइट? तो रॉबर्ट के मर्टन का जो एक कॉन्सेप्ट है भूमिका पुंज, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखो, भूमिका पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं रोल सेट। ओके, तो व्यक्ति एक है, पद भी उसका एक है, बट उस पद के साथ उसके जितने भी तरह के डिफरेंट टाइप्स के व्यवहार जुड़े हुए हैं उसको हम सेट बोलते हैं, इंग्लिश में सेट और हिंदी में पुंज। अब फॉर एग्जांपल, आई एम अ टीचर। ओके, तो पद वही है, टीचर है, मैं भी वही हूँ, लेकिन एज अ टीचर मेरे जो बिहेवियर्स होंगे दैट इज डिफरेंट। लाइक विद स्टूडेंट्स माय बिहेवियर इज डिफरेंट, विद माय कलीग्स माय बिहेवियर इज डिफरेंट, विद प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट कमेटी माय बिहेवियर इज डिफरेंट। आई एम अ टीचर बट द रोल्स आर डिफरेंट। आई एम अ पर्सन, सिंगल, मैं व्यक्ति वही है। ओके, पद भी वही है, लेकिन उसी पद में रहते हुए उस व्यक्ति की भूमिकाएं और व्यवहार जो है वो अलग हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर मैं इन शॉर्ट एक लाइन में बोलती हूँ, परिस्थिति एक है और भूमिकाएं और व्यवहार उस व्यक्ति के अनेक हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले प्रिंसिपल हैं, ठीक है, पद एक ही है प्रिंसिपल, लेकिन उस पद पे रहते हुए उनके व्यवहार सबके साथ अलग अलग हैं। सपोज टीचर्स के साथ उनका व्यवहार अलग है, बच्चों के साथ उनका व्यवहार अलग है, और यदि घर से उनका कॉल आता है, बैठे वो ऑफिस में एज अ प्रिंसिपल चेयर पे बैठे हैं, लेकिन घर से अगर उनका कॉल आता है तो उनका व्यवहार बिल्कुल अलग है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि भूमिका पुंज क्या है। एक लाइन में आप ऐसे बोलोगे कि मैम कि व्यक्ति एक है, परिस्थिति एक है, यानी कि पद एक है, परंतु उस पद के साथ भूमिकाएं अलग अलग जुड़ी हुई हैं। ओके, अब मर्टन एक और टॉपिक दिया है, प्रकट प्रकारे और अप्रकट प्रकारे, ठीक है, मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन, इनको इंग्लिश में बोलते हैं। तो प्रकट प्रकारे बच्चों वो होते हैं जो आप प्रत्यक्ष रूप से, आप जानबूझकर, आप उसको जानते हो, आप लक्ष्य को ध्यान में रखते हो, उन कार्यों को करते हो, उसको हम बोलते हैं प्रकट प्रकारे। और जिनको आप नहीं जानते या अप्रत्यक्ष रूप से आप कर रहे हो, कर आप रहे हो बट वो अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, उसको हम अप्रकट प्रकार बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज फैमिली प्लानिंग की बात अगर हम करते हैं, तो एक कपल जो है वो फैमिली प्लानिंग करता है, बेबी प्लानिंग करता है। ओके, तो दैट इज अ मैनिफेस्ट फंक्शन, वो है प्रकट प्रकार, उसने बेबी प्लान किया। लेकिन क्या उसने बेबी प्लान करते हुए ये सोचा था कि पॉपुलेशन भी बढ़ेगी? नहीं सोचा ना। लेकिन एक पूंजीपति, अगर फैमिली आपके यहाँ बेबी होता है तो एक पूंजीपति खुश होता है, बिकॉज उसका कंज्यूमर भी बढ़ रहा है और उसको एक नया वर्कर भी मिल रहा है। तो पूंजीपति के लिए ये अप्रकट प्रकार, लेकिन आपने जब बेबी प्लान किया तो आपने वो पूंजीपति को ध्यान में रख के नहीं किया ना, बट स्टिल इट इज हैपनिंग। तो आपने जो फंक्शन किया मैनिफेस्ट किया, ओके, प्रकट प्रकार किया, आपने जो प्लानिंग करी वो प्रकट प्रकार की, लेकिन इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं अप्रकट रूप से भी हो रही थी। तो आपको समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, आप मंदिर में जाते हो कि आपको हनुमान जी को जाना है, प्रसाद चढ़ाने जाना है, आपने कोई विश मांगी है, दैट इज प्रकट प्रकार है कि आपने बूंदी ली और आप मंदिर में प्रसाद चढ़ाने चले गए, ये हो गया आपका प्रकट प्रकार है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप उस मंदिर में जाते हो, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है उस मंदिर में, और कहीं ना कहीं आप अपने रिलीजन को भी फॉलो कर रहे हो, आप अपने हिंदू धर्म को भी फॉलो कर रहे हो, तो एक सामूहिक रूप से आप उस भीड़ का जो हिस्सा बन रहे हो, दैट इज अप्रकट प्रकार है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे होम, स्टे सेफ।